हेलो गाइस एंड भैसेस, मैं सूरज कुमार एंड मैंने देखी सेकंड फिल्म पल पल दिल के पास। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि सनी देओल के बेटे ने फाड़ दिया या पाट दिया। बस राणा तेरे नाल बेजुरी है, राणा तू पल पल दिल के पास जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। तो पल पल दिल के पास इस थोड़ा खूबसूरत तो ज्यादा महाबकवास। ऑनेस्टली अब मैं बता दूं क्या है, फर्स्ट हाफ जो है ना फिल्म का, वो एक आपको एडवेंचर ट्रिप पे लेके जाते जो ना एकदम मजा आ जाता है। आई मीन फर्स्ट हाफ इज वेरी ब्रिलियंट, बहुत अच्छे स्केल पे शूट किया है, वो लोकेशंस देखने में, इनफैक्ट वो बैकग्राउंड एंड वो साउंड्स एंड ऑल एवरीथिंग ब्यूटिफुल। सनी देओल की डायरेक्शन फर्स्ट हाफ फाड़ देता है एंड सेकेंड हाफ पाट देता है टोटल, क्योंकि वही पुराना मेलोड्रामा टिपिकल फिल्म का प्लॉट चलते रहता है एकदम। एंड फर्स्ट हाफ की बात किया जाए ना, तो फर्स्ट हाफ ऐसा अच्छा है, बट सनी देओल का बेटा करण देओल जो परफॉर्म कर रहा है ना, इट लुक लाइक कि मैन वर्सेस वाइल्ड ऑन आस्था टीवी। पहले बात करता हूँ करण देओल की, लेकिन उससे पहले मैं बोलूँगा यार, सनी देओल जो है ना, जब वो लॉन्च हुए थे ना, थिएटर के बाहर ना चप्पल जमा हो जाती थी। उनकी फिल्म गदर, सलाखे, इंडियन बॉक्स ऑफिस फाड़ देती थी एंड बॉलीवुड ना ऐसा चमक जाता था, हिल जाता था। बट करण देओल फुसकी। इवन आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये बंदा फाड़ देना चाहिए, बिकॉज धर्मेंद्र जी, सनी पाजी आर रॉक स्टार, बट ये इट लुक लाइक्स अंडा उबाल के छीला हुआ सनी देओल लग रहे एकदम। मतलब सनी पाजी ने करण देओल को ज़्यादा ही कुछ ऐसी वैसी में रख दिया, एकदम पक गए। हीरो फेस, हीरो मटेरियल नहीं दिख पाता पर्दे में, ऑनेस्टली नहीं दिख पाता। सेकेंड हाफ में वी आर एक्सपेक्टिंग मोर, क्योंकि फर्स्ट हाफ वॉज वेरी ब्यूटिफुली पिक्चराइज, बट सेकेंड हाफ फुस। एन एक्ट्रेस सहर बम्बा, शी इज अपग्रेडेड वर्जन ऑफ तनुश्री दत्ता विद ज़्यादा पाउडर लग गया है, ऐसे ही बोल सकते हैं। बट सहर बम्बा का परफॉर्मेंस कहीं कहीं अच्छा है, तो कहीं कहीं ओवर एक्टिंग का खंबा लगता है एकदम। एंड बाकी के कास्ट की परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बट सेकेंड हाफ डिसअपॉइंटिंग। एंड डायलॉग डिलीवरी की बात करते हैं, पहले करण देओल की। देखो यार, करण देओल ना एकदम ऐसा लगता है बहुत मासूम है यार, इससे कोई झगड़ा भी क्या करेगा, एंड इनको कौन बोलेगा कि तू लड़, ये कर वो कर। एंड सनी पाजी का अलग ही अंदाज है, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ सनी पाजी, बट इनका कहा जाए बहुत फीका बनते हैं, बहुत ही फीका। क्यों पता है, एक सीन ऐसा है पिक्चर में जहाँ पर वो बोलते हैं कि आपकी गर्लफ्रेंड का वीडियो वायरल हो गया। तो क्या हुआ, वीडियो वायरल हुआ है, शर्म तो उनको आनी चाहिए तुमको नहीं। अरे यार, ऐसा लग रहा है आम के पेड़ पे इनको पपीता मिल गया हो यार, ऐसा खुश हो रही है, ऐसा आपको लगेगा कि यार, अब कहीं भी इनको कोई बोल भी देना कि यार, अरे आपके पापा को कोई धमकी दे, पापा को धमकी दिए तो क्या हुआ, तो पापा देख लेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा इनका डायलॉग डिलीवरी ऐसे ही आ रहा। एंड द हार्डवर्क ऑफ करण देओल इज वेरी, इसकी माँ का मेरे को इंग्लिश भी तो नहीं आता कि मैं अच्छा रिव्यू करूँ, मेरा दिमाग उधर ही खराब हो जाता है। अब बात करते, चलो मैं आपको ना एक सीन्स बताता हूँ कि क्या मालूम है, कि इस पिक्चर में ना 6-6 कोरियोग्राफर्स लगे गाने के लिए। एंड गाने का स्टेप क्या मालूम है, भाई कैमरा थोड़ा नीचे ले, गाने का स्टेप कैसा मालूम, क्या ऐसा ए ये ए ये, ऐसा लग रहा है चूहे की लंडी पैर में लग रही है, ऐसा ये स्टेप है। सेकेंड गाने का भी स्टेप ऐसा घूम रहा है, ऐसा लग रहा है कहाँ हम घूम रहे भाई, कहाँ जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये कोरियोग्राफी है, वो भी चे कोरियोग्राफर लगे, वाह। एंड देखो यार, करण देओल की लॉन्चिंग थी ना, तो मैं सोचा इनकी परफॉर्मेंस ना पूरी देखता हूँ यार, लेकिन माँ कसम बोलता हूँ, कसम से लिटरली मेरे को सेकंड हाफ में ना बाथरूम लग गए थे। फिल्म देख के नहीं, ऐसा मत सोचना फिल्म की वजह से, बट मेरे को लग गए थे, लेकिन मैंने अपने बाथरूम की कुर्बानी दी करण देओल के अच्छे परफॉर्मेंस देखने के लिए, बट बाद में मेरे को बाथरूम भी नहीं हुआ, सच में बोल रहा हूँ, नहीं हुआ बाथरूम। अब आप बोल रहे क्या कुछ भी चीची गंदी बातें कर, अरे लिटरली नहीं हुआ कसम से। फिल्म कहाँ पर एंड हो जाती है, आप खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि अचानक आ गया डायरेक्टेड बाय सनी देओल, अचानक ऐसा एंड हो गया, बाप रे बाप, वही आपको सदमा दे देता है। एंड सेकंड हाफ में ना कुछ फाइटिंग सीन्स दिखाए ना, वहाँ पर ऐसा लगता है कि ना वो करण देओल ना सनी देओल जैसा आवाज़ निकाल रहे, एंड थिएटर ना क्लैप भी कर रही है, बट जब वो फाइटिंग करने जा रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है खली बोल के राजपाल यादव लड़ रहा है, ऐसा हो गया टोटल। फाइटिंग सीन्स में कैमरा एंगल्स ऐसा लगना चाहिए था कि यार एकदम मस्त स्केल पे जा रहा है, एकदम मस्त, एकदम क्लैप वर्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो पाता है जरा भी नहीं। द वे वो ही गोज लाइक दिस, ये वो हीरो लगते ही नहीं है यार, जरा भी नहीं लगते, हार्डली डिसअपॉइंटिंग। क्योंकि ऐसा लगता है ना यार, सनी पाजी यार क्या बंदा है यार, वो हैंडपम्प उखाड़ लेते हैं एंड ये झाड़ू के सीख भी नहीं उखाड़ पाएंगे, ऐसा है ऐसा। होप उनको अच्छी फिल्में मिले एंड वो कुछ
कुछ नया लाए यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। एंड अगर सनी पाजी का बेटा आ रहा है तो यार फाड़ एकदम गान फाड़ मूवी रहनी चाहिए ऐसा। बट फर्स्ट हाफ इज़ ब्यूटीफुल और फर्स्ट हाफ आई मस्ट से इट्स ब्रिलियंट परफॉर्मेंस टोटल, लेकिन उनकी जो मेकिंग थी ना फर्स्ट हाफ की वो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही मज़ेदार एकदम रापचंडो। लेकिन सेकेंड हाफ मज़ा नहीं आया। सो ओवरऑल मैं इस फिल्म को दूंगा 2.5 स्टार एंड परफॉर्मेंस के लिए 2 स्टार आउट ऑफ 5 एंड एक्ट्रेस के परफॉर्मेंस के लिए भी 2 स्टार आउट ऑफ 5। मिलते हैं अगले रिव्यू में, टिल दैट गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल, बाय।